ठाठे मारता समंदर, शोर मचाती लहरें, वो देखे सर सामने सूरज की वो उस पर गिरती है किरणें, वो देखें ये कलर आते हैं यार, ये मरीज कुंडमलीर का जो बीच है वो बहुत मशहूर है और बहुत ही खूबसूरत बीच है। मैं इस वक्त कुंडमलीर बीच पर हूँ और ये गोल्डन बीच भी कहलाता है, और किनारे से मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ। ये वो बीच है जो कि गोल्डन बीच भी कहलाता है और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। अतराफ़ में पहाड़ हैं, आगे कश्तियाँ खड़ी हैं और पानी साफ सुथरा है बहुत ही, लेकिन फिर भी जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर सफाई सुथराई का कोई ख़ास ख्याल मुझे नहीं लगता कि रखते हैं। बहरहाल ये बहुत ही फेमस किस्म का जो है वो बीच है जो कि शहरी यहाँ पर आते हैं, पिकनिक मनाते हैं छुट्टी के दिनों में। इसकी ख़ास बात यह है कि गोल्डन बीच और साफ पानी के अलावा जो अतराफ़ में इसकी लोकेशन है, पहाड़ हैं आसपास और पहाड़ों की कटिंग इतनी ज़बरदस्त है। असल में ये हिंगोल नेशनल पार्क का हिस्सा भी है। हिंगोल नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है मेरे ख्याल में जो सपट से आगे मड वल्केनो है वहाँ से लेके आगे बूजी पास या बूजी टॉप कहलाता है शायद, उस तक जो है वो ये हिंगोल नेशनल पार्क है। दरमियान में जगह जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो पहाड़ों की कटिंग है वो कुदरती तौर पर हुई हुई है, और अभी हम से बात कर लेते हैं कुंडमलीर बीच की। तो कुंडमलीर बीच जो है इसका व्यू अगर आप देखें, ठाठे मारता समंदर, शोर मचाती लहरें, तो बहरहाल खूबसूरत जगह है। शहरी आए जहाँ भी जाएँ सफाई का ख़ास ख्याल रखें यार, सफाई बहुत ज़रूरी है, से आपकी तहजीब कभी पता चलता है। और ऐसी बात है सफाई सुथराई किसे पसंद नहीं होती, हाँ गंदे लोगों को पसंद नहीं होती।